And she said, good morning. बोले हम बालकनी में बैठे हैं। हम बालकनी में बैठे हैं। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शोभा बाईसा फैमिली। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शोभा बाईसा फैमिली में। चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। गाड़ियों की आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी क्योंकि मैं और अर्शी अभी सुबह सुबह ही बालकनी में बैठे हैं। ये देखिए, हाय हाय। क्योंकि ये रोने लग गया था, इसके पापा भी जा रहे हैं तो ये बहुत जिद करने लग गया था कि मम्मा गाड़ी में चलो, गाड़ी में चलो। उनको पूजा ही नहीं करने दे रहा था तो फिर मैं इसको थोड़ी देर बाहर लेके बैठी हूँ ताकि इसको थोड़ा चुप करा दूँ और गाड़ी वाले देख के खुश हो जाए। और इसके पापा इसको एक राउंड कटवा के लाएंगे गाड़ी में, उसके बाद ये जाने देगा उनको, वरना जाने नहीं देगा। तो हम लोग यहाँ बैठे थे और आज का व्लॉग मैंने बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया है और पूरा दिन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे पूरे दिन का व्लॉग कि कैसे क्या रहता है आज का दिन। और अभी मैं छोटवाड़ा जा रही हूँ, मासी और सब वहाँ पहुँच गए हैं। ठीक है, मैं आगे निकल गई थी ऑटो में, आया मुझे वापस। तू तो यही कंफ्यूज जाती मैं तुम कर शुभ नाम क्या बना आपको? कुलदीप। शक्ति का नाम कुलदीप। उनतीस लैन साढ़े बयालीस यहाँ पे हमने ड्रेसेस वगैरह देख ली है, सेलेक्ट हो गई है पूरी। अब परी के पापा की ड्रेसेस रह गई है, वो हम एक दो दिन में आकर ले लेंगे बस, बाकी सबकी बन चुकी है। और अभी यहाँ से हम लोग साफा लेंगे, प्योर का भी लेना है और कॉटन का भी लेना है, तो हम लोग देख रहे हैं साफा। सो गाइज, आज मैंने ट्राई किया था कि मैं मार्केट में व्लॉग जरूर बनाऊंगी, लेकिन मैंने एक दो क्लिप्स बनाए, उसके बाद मेरा मन ही नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने का, तो फिर मैंने बनाया ही नहीं व्लॉग, मैंने बीच में छोड़ दिया। तो इस व्लॉग को हम कल कंटिन्यू करेंगे। और ये हमारी मीठी है, पाली पाली मीठी है, ये यहाँ पे बैठा है मेरे पास। ये सारे दिन इसको कंधे पे घूमना होता है, जब सुशीला काम करते उसके भी कंधे पे बैठा रहता है ये, और जब मैं बैठी रहती हूँ तो ये मेरे पास आके बैठ जाता है अपने आप। बहुत नॉटी बॉय है, बहुत नॉटी नॉटी। इसको तो बस खाने के लिए चाहिए होता है कुछ ना कुछ। सो आज के व्लॉग को तो हम यही एंड करते हैं, बट कल इस व्लॉग को हम करेंगे कंटिन्यू। और अभी तो मैं सोने जाऊंगी क्योंकि यार बहुत थक गई हूँ। दो दिन से हम लोग सुबह मार्केट में जाते हैं, मतलब आज भी मैं 11 बजे निकली थी और हम लोग 4-5 बजे वापस घर आए थे, क्योंकि अब लास्ट हमने जो पोशाकें वगैरह सब ले ली थी, क्योंकि अब लास्ट शॉपिंग है हमारी, हो गई है ऑलमोस्ट शॉपिंग सारी। बस अर्शु के लिए कपड़े एक दो ड्रेस लेना बाकी है और परी के पापा के लिए अभी तक एक भी ड्रेस नहीं लिया, उनके लिए कपड़े लेना बाकी है। बाकी ऑलमोस्ट हमारी शॉपिंग डन हो चुकी है एंड मेरी बैंगल्स रह गई है क्योंकि पोशाकें नहीं आई है, पोशाकों की मैचिंग की मुझे बैंगल्स लेनी है तो वो रह रही है। बाकी सारी हमने शॉपिंग कर ली है तो वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जब मैं बैंगल्स वगैरह लेने जाऊंगी, वीडियो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। हो सकता है कल जाऊं और हो सकता है नहीं भी जाऊंगा। ओके, तो अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सुबह मिलेंगे फिर आप लोगों से। हाय मिट्टू, मिट्टू अर्शी, ये देखो चप्पल की दुकान खोल ली इसने सुबह पहले। ये देखो इसको डर नहीं लगता है, मिट्टू को गुस्सा आ रहा है। अच्छी, मिट्टू को गुच्छा आ लिए, पकड़ना नहीं है, ठीक है, पकड़ना नहीं है मिट्टू को। आप क्या कर रहे हो? मैं मिट्टू की
आपके यहाँ पे बिठा दूँ मिट्टू को, यहाँ पे बिठा दूँ मिट्टू को, बिठा दूँ देखो 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 ये देखो अर्जी क्या कर रहा है मिट्टू, अर्जी मिट्टू क्या कर रहा है? मिट्टू टमाटर खाली है। अच्छा को खाली है, मिट्टू को बोल दो मिट्टू खाओ मत। मिट्टू खाओ तो मैं भाई हूँ आपका। अरे वाह, आ जा ना नाई नाई करते, आ जा अपन दोनों नाई नाई कर लेंगे। चप्पल तो ना ली। गाइस तो हम लोग उठ गए हैं अभी, और अभी घर पे कोई नहीं है। मम्मी मंदिर गए हुए हैं, परी के पापा गांव गए हुए हैं, और परी सोनू गोलू के स्कूल गई है। परी सोनू गोलू के स्कूल गई हुई है क्योंकि आज उसका ऑफ था, तो उसने बोला कि मम्मा मेरा मन नहीं लगेगा तो मैं ना उसके स्कूल में चली जाती हूँ। सोनू गोलू का स्कूल है ना, जो उसकी जो ऑनर है वो हमारी बिल्डिंग में रहती है, तो हमारी अच्छी बॉन्डिंग है उनसे, तो वो ले गई है परी को अपने साथ। और घर पे है मैं, अर्शू और मिट्टू, हम तीन ही है घर पे और कोई भी नहीं है घर पे। हम लोग अभी, मैं मम्मी का वेट कर रही हूँ, मम्मी आ जाए मैं गेट खोल दूँ उनके लिए, वरना फिर मैं नहाने घुस गई तो वो बेल बजाते ही रहेंगे बार बार, इसलिए मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ। वो आ जाए तो मैं जल्दी से नहा कर आऊँ, क्योंकि आज हम लोगों को वीडियो शूट करना है, इंस्टाग्राम पे रील्स बनानी है, तो इंस्टाग्राम पे रील्स बनानी है जो कि हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और वो ब्लू वाला ड्रेस जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो रेडी होकर आ गया है, तो उसमें हमको पिक्स वगैरह भी क्लिक करवानी है, तो देखते रहिए पूरे ब्लॉग को। शीला गई है अपने गांव अपनी मम्मी से मिलने, मैंने आपको पहले भी बताया था उसकी मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है, तो वो अपनी मम्मी से मिलने गई है। तो आज हम पूरा दिन आज हम अर्शू के साथ रहने वाले हैं। वो अर्शू को साथ ही लेकर जा रही थी, लेकिन फिर मैंने बोला यार तू मिल नहीं पाएगी मम्मी से, तो तू घर पे ही रह जा, मैं अर्शू को घर पे रख लेती हूँ और तू जाए आराम से। तो वो आज गई है, तो देखते हैं आज हम मार्केट जाने का, वैसे था तो सही हमारा प्लान क्योंकि कुलदीप को कुर्ता पजामा चाहिए था, स्टिच मैंने उसको करवाने नहीं दिया क्योंकि मैंने सोचा रेडीमेड ले लेना, स्टिच करवाते ना वो बहुत महंगे पड़ते हैं, तो मैंने उसको बोला कि रेडीमेड ही ले लेना, मैं उनके लिए लाई थी परी के पापा के लिए, अच्छे थे वो कुर्ते, तो मैं उस टाइप के कुर्ते उसको दिलाने जा रही थी शॉप पर स्टॉप से, तो वो भी जाना है हमें। उसको मैंने बताया नहीं है कि सुशीला नहीं है, चिल्लाता मेरे ऊपर क्योंकि हम उसको कब से यही बोल रहे, कल 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 करते हुए 10 दिन निकल गए और अभी टाइम बहुत कम बचा है तो हमें जाना ही पड़ेगा। सो आज हम जा रहे हैं कुर्ते वगैरह लेने के लिए, देखते हैं अब जा पाते हैं कि नहीं अर्शू है, क्योंकि अर्शू को लेके जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, आपको पता है मार्केट में बिल्कुल नहीं दिखता ये, तो देखते हैं। मिट्टू ए मिट्टू मम्मा मिट्टू हाँ मिट्टू मिट्टू मैं तो नहाकर आ चुकी हूँ एंड अर्शू अभी भी बाल्टी में बैठा है। मैं सोच रही हूँ वो निकले तो मैं पूजा करने जाऊँ क्योंकि उसको अकेला छोड़ के जा नहीं सकती, वो बाल्टी से गिर सकता है इसलिए, और ये निकलने का नाम नहीं ले रहा। मैंने इसको चार बार बोल दिया अर्शू आ जा बेटा कपड़े पहना दो। हाँ जी ओ कह रहा मामा मेरी वीडियो बनाओ, अर्शू की वीडियो बनाओ, अभी बना रही हूँ दिखाती हूँ आपको। अर्शू हाय कर दो फ्रेंड्स को। हाँ कर लो आप नाई नाई। हाँ अर्शु फ्रेंड्स को बोल दो, फ्रेंड्स में नाई नाई कर रही हूँ, बोल दो फ्रेंड्स को। तो ये नहाने में व्यस्त है, हम लोग कर लेते हैं कुछ काम। मेरा जो ड्रेस है मैं निकाल लेती हूँ उसके लिए ज्वेलरी, ड्रेस सिलकर आ गया, बहुत ही सुंदर लग रहा है स्टिच होने के बाद। मैं आपको पूरा वीडियो में बता दूंगी कि मैंने कहाँ से लिया है, ऑनलाइन मैंने मंगवाया है तो आप लोग भी जाकर देख सकते हो, वहाँ से ले सकते हो। एंड ज्वेलरी का भी मैं आपको बता दूंगी कि मैंने कौन से ऑनलाइन पेज से लिया है, तो वो भी आप लोग जाकर ले सकते हो, बहुत सुंदर ज्वेलरी है, बहुत ही सुंदर जो ड्रेस है मेरा वो भी है। और आप अच्छे बच्चे बन के दादी साहब के पास चले जाओ, जो फेंक दो नहीं, रख दो, फेंकते नहीं है किसी भी चीज को बेटा, लगते हैं ठीक है। मैं नहाकर आ गई हूँ और यहाँ पे मैं अर्शु के लिए थोड़ा दूध गर्म कर रही हूँ क्योंकि वो बॉर्नविटा वाला दूध नहीं पीता है, उसको चाहिए होता है थोड़ा सा चाय पत्ती डाल के, जरा सी अदरक डाल के, वो वाला दूध चाहिए होता है। हाँ
तो मैं इसके लिए अभी गर्म कर लेती हूँ, फिर इसको दोपहर में पिला दूंगी और अभी पिला दूंगी। और मैं अभी खाना बना रही हूँ, मम्मी को खाना खिलाना है, टाइम हो गया खाने का, पूजा हमारी हो चुकी है। वैसे एक बार मम्मी कर देते हैं, मैं भी अपनी पूजा करती हूँ। तो मैंने पूजा कर ली है और अभी हम बनाएंगे खाना। और मिट्टी हमारी यहीं पे बैठा है क्योंकि अकेला बाहर छोड़ते ही ची 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 करने लग जाता है। अर्शु बंद कर दो प्लीज, लाइट्स ऑन कर दो। तो अभी मिट्टू को मैंने यहाँ बैठा लिया ताकि ये चिल्लाए नहीं, है ना। ये देखो बस इसका यही काम है। ये मैंने टावल लगाया क्योंकि इसके पंजे इतने शार्प है ना, चुभते हैं। मैंने टावल लगा लिया, मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ, अपने लिए भी बना लेती हूँ, मम्मी के लिए बना, क्योंकि हम दो ही हैं घर में खाने वाले और कोई है नहीं। तो वो भी खाना बना के और उसके बाद अर्शु का मूड देखेंगे, अर्शु सोने का करेगा तो इसको सुला दूंगी, फिर मैं वीडियोस बनाऊंगी मतलब रेडी होके। और नहीं सोएगा तो फिर मैं ऐसे ही बना लूंगी, क्योंकि आज लगता नहीं है सोएगा, क्योंकि अभी 9:30 बजे तो उठा है और अभी 11 बज रही है तो भी नहीं सोएगा ये। फटाफट मैं किचन का काम खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं फिर, है ना। हो गया है और मैं खाना ले आई हूँ। अब मैं खाना खाती हूँ, फिर मिलती हूँ वापस आप लोगों से। गाड़ी में पापा अर्शु को लेके नहीं गए गाड़ी में, लेके आए गए पापा, आ रहे अभी आपको लेने आ रहे हैं, अभी आपको लेने आ रहे मेरे अर्शु बेटे को, जल्दी आ रहे हैं। ठीक है ठीक है, जल्दी आ रहे हैं। हाँ न्यू बेड लेने गए हैं अर्शु के लिए, 2-2 न्यू बेड लाएंगे पापा। ठीक है हाँ, मैंने नेल पेंट लगा ली है और अभी कुछ शाम को बनाऊंगी यार, क्योंकि कोई फोटोज क्लिक करने वाला नहीं है। हाँ बेटू, हाँ ये भी न्यू बेड है अर्शु को, तो अभी तो मैं अर्शु को सुलाऊंगी, मैं भी थोड़ा रेस्ट करूंगी, उसके बाद शाम को फोटोज वगैरह क्लिक करेंगे। डन हो चुका है एंड बस अब ज्वेलरी पहनना बाकी है, तो मैं ज्वेलरी पहनूंगी, उसके बाद मैं वीडियोस बनाऊंगी। आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना शोभा भाईसा, शोभा राठौर के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, 2 अकाउंट है, दोनों पे अलग अलग रील्स बनाती हूँ, तो आप लोग दोनों को जाके फॉलो कर लेना। और अभी मैं रेडी हूँ और अभी टाइम है 4 बज गई है, तो 4:30 या 5 बजे आई थिंक परी और सोनू आ जाएगी स्कूल से, तो मैं उनसे फिर फोटोज वगैरह क्लिक करवा लूंगी, इसलिए मैं उससे आने से पहले ही तैयार हो चुकी हूँ। तो अभी हम लोग थोड़ी रील्स बनाते हैं, फिर नहीं पहले तो ज्वेलरी पहनेंगे, ठीक है। और ज्वेलरी और ड्रेस आपको मैं अच्छे से दिखाऊंगी, आप लोग बताना कमेंट करके कैसा लग रहा है और कहाँ से लिया है, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दूंगी। तो गाइज देखा आपने ड्रेस, और ड्रेस कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। एंड ज्वेलरी आप लोगों को कैसी लगी वो भी आप लोग कमेंट करिए जरूर बताना, मुझे ज्वेलरी भी बहुत पसंद आई क्योंकि इसके इयररिंग्स बहुत थोड़े बड़े हैं और आपको पता है मुझे बड़े वाले इयररिंग्स कितने ज्यादा पसंद है। और तो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ये जो ज्वेलरी है, सो ये ज्वेलरी मुझे रिसीव हुई है राजपूती पोशाक घर, एक पेज है इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम पे जब मैं पिक्स डालूंगी तो नीचे मेंशन करूंगी, आप लोग जाकर एक बार विजिट जरूर करना उनके पेज पे, बहुत ही अच्छी ज्वेलरी कलेक्शन है उनके पास। सोनू अर्शु को लेना बेटा 2 मिनट, तो आप लोग उनके पेज पे जरूर विजिट करना है, देख सकते हैं आप, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बहुत ही सुंदर ये सेट है, और रखड़ी भी देख सकते हैं आप, मुझे बहुत पसंद आई। तो आप लोग भी उनसे ज्वेलरी ले सकते हैं, ड्रेसेस कॉटन के, प्योर के, सभी तरह के ड्रेसेस आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं इस ड्रेस की। तो ये ड्रेस मुझे रिसीव हुआ है SR लग्जरी स्टोर बाय रेनू के नाम से, इंस्टाग्राम पे इनका पेज है, बहुत ही शानदार ड्रेसेस का कलेक्शन है। और ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं ये डोरिया में है, जो कि अभी बहुत ट्रेंड कर रहा है डोरिया ड्रेसेस, वापस बीच में बंद हो गया था लेकिन अभी वापस बहुत ट्रेंड में है, तो आप लोग इस तरह के डोरिया के ड्रेसेस ले सकते हैं। एंड ये मैंने ब्लू कलर में मंगवाया है बिकॉज थोड़ा डार्क कलर मैंने सोचा कि शादी के अकॉर्डिंग थोड़ा अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने डार्क कलर में मंगवाया। इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, तो आप लोग जाकर इनके पेज को चेक कर सकते हैं और इस तरह की ब्यूटीफुल ड्रेसेस ले सकते हैं। सो गाइस पिक्स वगैरह हमारी क्लिक हो चुकी है, नाउ हम बनाएंगे थोड़ी बहुत रील्स, बस अभी रील्स बाकी है, बाकी पिक्स अगर आपको देखनी है तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना, और पिक्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना। सो कैसा लग रहा है हमारा लुक आपको बता देना कमेंट करके, और ये ज्वेलरी देख लीजिए कितनी प्यारी लग रही है ना, ड्रेस भी बहुत अच्छी लग रही है, ड्रेस का कलर इतना प्यारा लग रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मम्मी मंदिर जाके आए हैं और मेरा फोटोशूट चल रहा है। मम्मी देखो क्या लाए मेरे लिए। मम्मी माता ही ले आओगी मम्मी मेरे लिए रोज लेके आए हैं भगवान जी के चढ़ाया हुआ, ये देखो। धन्यवाद मम्मी धन्यवाद। सब्जी बना रही हूँ मैं अभी, गोभी की सब्जी बनाऊंगी क्योंकि मेरे पतिदेव अभी गांव से आए हैं, उनको बहुत तेज भूख लगी है,
और उनकी सबसे बैड हैबिट ये है कि वो कभी भी बता कर नहीं आते, अचानक से धक्के और बोले मुझे भूख लगी। तो मैंने मेकअप भी रिमूव नहीं किया, मैंने फटाफट ड्रेस चेंज करी, मैं वीडियोज बना रही थी तो मैंने फटाफट ड्रेस चेंज करी, अभी मैं खाना बना रही हूँ उनके लिए एंड मुझे इस सामान का अता पता नहीं है तो मैं पहले हम सोयाबीन की सब्जी बनाने वाले थे, हमें सोयाबीन ही नहीं मिला, फिर हमने गोभी काटा कि हम गोभी की सब्जी बना लेंगे, अब हमें तेल नहीं मिल रहा, ना व्हाट टाइम, अब हम क्या करें, अब हम बनाएंगे घी में सब्जी, तेल तो हमें मिला नहीं तो हम घी में बना देते हैं, सूखी सूखी सब्जी बना दूंगी फ्राई करके, है ना, तो अच्छी बन जाएगी, पता नहीं बनेगी कैसे पर गर्म तो अच्छी लगेगी, ठंडी होने के बाद तो क्या पता घी थोड़ा हो जाए जम जाए, लेकिन गर्म गर्म अच्छी लगेगी। तो मैं सिर्फ गोभी और मटर डालूंगी, आलू नहीं डालूंगी क्योंकि आलू मेरे हस्बैंड थोड़े कम खाते हैं, इसलिए मैं आलू नहीं डालूंगी, इसमें सिर्फ गोभी डालेंगे हम, थोड़ा वॉश कर लेती हूँ मैं गोभी को। बेटा देखो मेरे फटाफट से लहसुन है ना, लहसुन छिलो, पर ये सुनो यहाँ पे बैठ के लहसुन छिल रही है, और थोड़ा सा आटा दाल के अंदर ही गूंथ लूंगी मैं क्योंकि उनको दाल के पराठे पसंद है, तो दाल रखी है थोड़ी, उसके अंदर थोड़ा आटा गूंथ के मैं उनको दाल के पराठे बना के दे दूंगी, अच्छे भी लगेंगे उनको दाल के पराठे। गर्म करने की तो क्या नीड है दाल को पराठों के लिए, सुनो बेटा तुम ये करके और प्याज दो मुझे, मैं तुम्हें प्याज काट के देती हूँ, तुम उसमें चॉप कर दो, कर ली फिर मेरी आंखों में लहसुन आंसू आते हैं, जब परी लहसुन छिले फिर तू प्याज कर ले, मैं इसमें पराठों में डाल दूँ, दो तीन काट ले इसमें गोभी में डालूंगी, चार काट ले, चार खाना बना लेती हूँ, वीडियो बंद कर, काफी है इतनी प्याज सोने में काटे हैं, फिर मैंने उसको चॉप किया था फटाफट से, मैंने इसमें डाल दिया आटे में, फिर भी इतनी भयंकर जलन मच रही है आपको, मैं आपको देखती प्याज तो मैं काट ही नहीं सकती, मतलब मेरा ये हाल है, मेरे तो बिल्कुल नहीं गई, मैंने भी काटे तो प्याज, इसने काटी है फिर भी मेरे चली गई, बताओ जिसने काटी उसकी गई, तो हमारी सब्जी बन गई है, मिठा दो सब्जी का है, सब्जी बन गई है और एक दाल रखी है, इसको हम गर्म कर लेंगे और इसी दाल में हमने आटा भी लगाया है, बस पराठे ये आटा लगाया हमने दाल में, इसमें प्याज व्याज डाली है हमने, आटा भी थोड़ा गूंथना बाकी है, इसको गूंथ देती हूँ अच्छे से, ओ गूंथ लेती हूँ फटाफट से सब्जी बना दूंगी। सो हमारा ऑलमोस्ट काम डन हो चुका है, बस ये लास्ट चपाती जो कि मैं सेकूंगी, मम्मी पता नहीं कहाँ चले गए, मैं उनको ढूंढ रही थी, अगर वो गर्म गर्म खाएंगे तो मैं उनके लिए बाद में सेक दूंगी, आटा रखा हुआ है और परी के पापा ने खाना खा लिया है एंड आप लोगों के चक्कर में मेरा पराठा जल गया है ये देखो ये पराठा जल गया, तो बस उन्होंने खाना खा लिया, अभी मैंने खाया, किसी ने खाया, उन्होंने ही खाया है, तो मम्मी आ जाए उसके बाद मम्मी को खिलाएंगे, उसके बाद हम सब खाएंगे। तो ये देखो लड्डू के पापा लड्डू के लिए इतना सारा सामान लाए हैं और मेरे पीछे पड़े, देख 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 मैं कह रही थी मैं थोड़ी वीडियो वगैरह डाल दू इंस्टाग्राम पे, बोले नहीं पहले देख पहले देख पहले देख, ये अंगूर वाली ड्रेस ये देखो फ्रूट्स वाली ड्रेस बहुत सुंदर है, अच्छी लग रही है, ये है अंगूर वाली ड्रेस लड्डू के लिए, और अभी खाटू श्याम जी जाकर आए हैं हमारे बिना, और मैं बोलती हूँ कि आप हमें लेकर जाते हो, बोलते तू भी तो जाती है तेरे फ्रेंड्स के साथ, तू मुझे कौन सा लेके जाती है ये देखो ये कितनी प्यारी ड्रेस भाई साहब, कितनी महंगी बहुत महंगी ड्रेस है ये तो भाई साहब, और ये इसके पीछे है इसका ये गले का नहीं है ये ड्रेस पहनाने का, ये मतलब पट्टा वट्टा भयानक महंगी है ये ड्रेस भाई साहब कुंदन की है, बहुत प्यारी वर्क है इसमें, बहुत प्यारा वर्क है, वैसे भी अभी दिवाली वगैरह आ रही है तो पहना देंगे, ये देखो
बहुत महंगी महंगी और बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस लाए हैं परी के पापा लड्डू के लिए। ये रेड कलर की है, ये भी बहुत प्यारी है, अच्छी है, बट ये मुझे थोड़ी कम जम रही है यार। ये क्या है, उपाड़ा सा लग गया, चौंग लगे मने भैया। तो ये एक जो लग गया ठीक है। तो नेक्स्ट ड्रेस हम निकालेंगे, ये दिस इज सो ब्यूटीफुल एंड ये मेरी पोशाक मैंने इसी कलर की बनवाई है, सेम मैचिंग मेरी पोशाक को, सेम मैचिंग बताओ ड्रेस बहुत सुंदर है। अच्छा नो बेटा सॉरी 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 सॉरी, ये ड्रेस भी बहुत ये जान से मार देगा मेरे को तो। और ये इसके पीछे ऊपर का है और ये ऊपर एक पहनाने का है। अच्छा मेरे को लग जाता है यही यही ओ माय गॉड, ये भी बहुत प्यारी है, ये भी बहुत महंगी है, पर बहुत सुंदर है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ही महंगी भी है। पर ये मुझे सबसे अच्छी ये ड्रेस एंड ये ड्रेस एंड ये ड्रेस, ये थोड़ी जैसे ना मोटी मोटी सी है तो मुझे थोड़ी कम जमती है, ये मुझे सुपर सुपर अच्छी लगती है। तो ये वाली खोल दो रे यार, तो बच्चे ना इसमें क्या है, इसमें क्या है बता, गाना का सेट है ये, मुझे नहीं पता इसमें क्या है, इसमें गाना का सेट है। ओ इसमें है लाला के नेक पीसेस और ये लाला के तिलक है, ये लाला की प्यारी सी बांसुरी है, ये गले का है, व्हाट इज दिस क्लिप, नहीं यार है, अच्छा ये हाथ में पहनाने के पता नहीं अजीब से क्यों है, एंड ये है मुकुट लाला का, और ये क्या इयररिंग्स है, तो ये यहाँ चिपक कैसे गए इस पे, अच्छा ये इयररिंग्स है लाला के, चलो ठीक है। और भी दिखाते हैं आपको, भर भर के शॉपिंग की आज, भर भर के शॉपिंग किया आज लाला के लिए, और इसमें आपको दिखा, वाओ ये है मुकुट, प्यारे प्यारे मुकुट, ये येलो वाला ड्रेस, ये भी मुकुट, ओ माय गॉड इतने बड़े बड़े मुकुट, बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े हैं पर अच्छे हैं, और ये तो पिकॉक वाला है। तो ये सब सामान अभी लेके आए हैं, बस इतना ही लाए हैं और बहुत सारा लाए हैं। बस इतना ही नहीं है, ये ड्रेस देखो, इसको पास से दिखा इस ड्रेस को, इसका वर्क देखो एंड इसका भी वर्क देखो, बहुत ही सुंदर ड्रेसेस हैं, एंड इसका भी वर्क देखो कितना प्यारा है, बहुत ही अच्छी वाली ड्रेस। और ये देखो वेज फ्रूट्स वाली ड्रेस और ये पुपाड़ा वाली ड्रेस ये पुपाड़ा वाली ड्रेस, बट सब अच्छी है, सब प्यारी प्यारी ड्रेसेस हैं। तो हम पहनाएंगे तो आपको जरूर दिखाएंगे कि लड्डू हमारा कैसा लगता है इनको पहन के। अभी मैं रख देती हूँ, ठीक है बना। तो आज के व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।